कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों ही अपनी राजनीति के इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं जहां उन्हें नेशनल तो छोड़िए क्षेत्रीय पार्टियां भी भाव देने को तैयार नहीं है। पहले तो महागठबंधन जो यूपी में समाजवादी पार्टी और बसपा ने मिलकर के बनाया था उससे कांग्रेस पार्टी को बाहर कर दिया गया। इसके बाद में एक और देश में फेडरल फ्रंट बनाने की बात हो रही है और वहां से भी कांग्रेस को रास्ता नाप देने के लिए कहा गया है। हालांकि इस फेडरल फ्रंट की कोई भी काबिलियत नहीं है, कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, यहां तक कि इसका अभी तक कोई खास अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ही कांग्रेस को रास्ता नाप लेने के लिए कह रहा है। दरअसल टीआरएस के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले केसीआर जो तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं केसीआर राव, उन्होंने पिछले लगभग एक साल से फेडरल फ्रंट बनाने की बात की है जिसके अंदर कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां होगी जिसमें आप कई बड़े नेताओं को शामिल कर सकते हैं, जैसे शरद पवार हो गए, ममता बनर्जी भी हो सकती हैं, डीएमके के नेता हो सकते हैं, स्टालिन हो सकते हैं, यहाँ तक कि एनसीपी भी हो सकती हैं। तो इन सभी छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर एक मानसिकता पनप रही है कि हम सब मिलकर के अपने अपने एमपीज जिताएंगे और जितने भी एमपीज हमारे हाथ में आएंगे उनकी मदद से हम एक सरकार बनाएंगे जिसका नेतृत्व यही मोर्चा करेगा। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो केसीआर के मन में बहुत वक्त से प्रधानमंत्री बनने का सपना है और वो सोचते हैं कि इसी मोर्चे में से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और वो खुद इसके प्रधानमंत्री होंगे। अब विडंबना यहाँ से शुरू होती है जहाँ पर टीआरएस खुद भी ट्रोल हो रही है और कांग्रेस को भी ट्रोल कर रही है। टीआरएस ने कहा है कि कांग्रेस से हम चाहे तो बाहर से समर्थन ले सकते हैं लेकिन कभी भी ड्राइविंग सीट राहुल गांधी को नहीं सौंपेंगे। यानी राहुल गांधी इस मोर्चे के जरिए प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दे और इसके लिए उन्होंने स्टालिन से लेकर के एनसीपी और शरद पवार जैसे नेताओं के साथ में मीटिंग की है और ये सारे नेता इस मोर्चे की मीटिंग के लिए शामिल तो होते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ विडंबना ये है कि यही सारे नेता बाहर जाकर के कहते हैं कि इस मोर्चे का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया पूरे तरीके से गोल है। एक तरफ टीआरएस के केसीआर कांग्रेस को भगा रहे हैं, कांग्रेस भाग रही है स्टालिन और शरद पवार जैसे नेताओं के साथ में, एनसीपी शरद पवार और स्टालिन जैसे नेता जाकर के फेडरल मोर्चे के लिए मीटिंग तो करते हैं लेकिन वो जाने के बाद में भी इस बात के लिए सहमति नहीं जताते हैं कि फेडरल फ्रंट का कोई सरकार बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि विपक्ष पूरे तरीके से गोलमोल हो गया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ 23 तारीख का इंतजार हो रहा है और किसी तरीके से जोड़ तोड़ कर हर नेता चाहता है कि वो सर्वे सर्वा बन जाए, देश का प्रधानमंत्री बन जाए। जबकि दूसरी तरफ बात करें अगर एनडीए की तो वहां पर एक मेजर पार्टी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है और कई छोटे छोटे दल जिसमें शिवसेना हो गई, जदयू हो गई और कई छोटे मोटे दल हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सरकार बनाने में सपोर्ट कर रहे हैं। उनका प्रधानमंत्री पद को लेकर के या फिर किसी बात को लेकर के बीजेपी के साथ में कोई भी क्लैशेज नहीं है। जबकि दूसरी तरफ यूपीए हो गया या फिर महागठबंधन हो गया या फिर फेडरल फ्रंट की सरकार बनाने की बात हो गई, तीनों में ही मार पिटाई मच गई है अभी से। आप देख रहे हैं thechaupal.com में युवराज और इसी तरीके के वीडियोस और पाते रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज द चौपाल को लाइक जरूर करें और अगर आपके पास में भी इसी तरीके के वीडियो जो आप द चौपाल पर पब्लिश करवाना चाहते हैं आप दिखाए जा रहे ईमेल अकाउंट पर अपने वीडियोज हमें जरूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।